Good morning, good afternoon and good evening. My dear students, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज जो हम यूनिट जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, नेम ऑफ द चैप्टर इज फॉर्म्स ऑफ मार्केट. जब हम मार्केट पढ़ते हैं तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन एराइज होता है, दैट इज व्हाट इज मार्केट, कि मार्केट है क्या. अब जनरल वे ऑफ कम्युनिकेशन में अगर आप बात करेंगे तो मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट टूगेदर डू सेल परचेस, बट इकोनॉमिक्स डू नॉट सपोर्ट दिस आंसर. अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स मार्केट इज नॉट अ प्लेस. नहीं सर, ऐसा तो नहीं, मार्केट तो प्लेस है. देखो मैं रोज बाजार जाता हूं तो मार्केट तो प्लेस है. मैं बोल के जाता हूं कि देखो मम्मी मैं मॉडल टाउन जा रहा हूं, मम्मी मैं किला रोड जा रहा हूं, कि मम्मी मैं रेलवे रोड जा रहा हूं, या मम्मी मैं जो है कैंप की मार्केट जा रहा हूं. प्लेस तो है सर, ऐसे कैसे है? नहीं बेटा, मार्केट इज नॉट अ प्लेस अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स. अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स मार्केट इज अ मैकेनिज्म. Which create close contact between buyers and sellers. क्या बोल रहा है कि मार्केट एक मैकेनिज्म है जो बायर और सेलर के बीच में एक क्लोज कॉन्टेक्ट क्रिएट करती है. सर कैसे? आप देखिए, आप किसी भी टाइम अपना फोन खोलते हैं, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट, टाटा क्लिक, मिंत्रा, तरह तरह के आपके पास एप्लीकेशंस हैं, उन पे क्लिक करते हैं, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एंटर करते हैं और उस तरह की कमोडिटी को ऑर्डर कर देते हैं. बायर सेलर को नहीं देख रहा, सेलर बायर को नहीं देख रहा. कमोडिटी है, आप उसको सिलेक्ट करके ऑर्डर कर देते हो. दैट इज अ मैकेनिज्म. इट मींस डायरेक्ट मीटिंग ऑफ बायर, डायरेक्ट मीटिंग ऑफ बायर एंड सेलर इज नॉट कंपल्सरी. दे कैन कॉन्टैक्ट बाय एनी मीन्स ऑफ कॉम्युनिकेशन. वो किसी भी कॉम्युनिकेशन के मीन्स से कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं. एनी मीन्स ऑफ कॉम्युनिकेशन, that is phone, post and telegraph, PNT लिख रहा हूं, post and telegraph, agent, TV, internet, etc. but एक condition है, but there is a single condition. That same price for a commodity prevails in the market. कि price same रहेगा. That is known as market. उसने बोला कि market एक mechanism है जो buyer और seller में एक क्लोज कॉन्टैक्ट क्रिएट करता है और इस क्लोज कॉन्टैक्ट की वजह से जो बायर और सेलर हैं वो सेल परचेज करते हैं. तो मार्केट की
कुछ फीचर्स हैं, देयर आर सम फीचर्स ऑफ द मार्केट. फर्स्ट फीचर इज बोथ बायर एंड सेलर, के इन मार्केट बोथ बायर एंड सेलर आर कंपल्सरी. अ सिंगल सेलर और अ सिंगल बायर cannot form the market. Single seller or single buyer market create नहीं कर सकता. Both buyers and sellers are compulsory in the market. Second, single product. In economics, each commodity has its separate market. For example, cloth market, wheat market, like grain market, iron market, each commodity has its separate market. Third is free competition. या हम इसको बोलते हैं free bargaining. It means both buyers and sellers are free to compete. It means buyer can try to purchase the product at lowest price. Try to मतलब try कर सकता है कि सस्ते से सस्ता खरीदे. And seller can try to sell the commodity at highest price. But as a result, same price prevails in the market. इस वजह से market में क्या होता है, same price prevail करता है. Fourth, perfect knowledge. Both buyers and sellers have perfect knowledge about the market. Yani, seller knows what are the prices, quality, rivals, etc. And buyer knows what are the qualities, from where he can purchase good quality at fair price, etc. So all these conditions, all these features are or must be prevailing in the market in economics. Yani, in features ke bina economics mein market nahi ban sakti. Dekhiye, jaise ab hum baat karte hain both buyer and seller. Ab kisi bhi tarah ki market mein jaiye, dono hone chahiye. Market mein buyer bhi hone chahiye, seller bhi hone chahiye. सर नहीं समझ में आया, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. आपके फोन में इनबिल्ट अमेज़न की ऐप आई है, फ्लिपकार्ट की ऐप आई है, कईयों में डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होती है ना. जब तक आप उसमें लॉगिन नहीं करोगे, आईडी नहीं डालोगे, तब तक आप उस मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. आपके लिए वो बस एक आइकन है. मार्केट कब बनेगी, जब आप उसमें एज अ बायर रजिस्टर करोगे. तो दोनों होने चाहिए, बायर्स भी और सेलर्स भी. इसी तरह से आपके लिए किला रोड क्या है, एक प्लेस है. जब आप एज अ बायर उसमें एंटर करोगे, देन इट विल बिकम द मार्केट. बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर कंपल्सरी इन द मार्केट. और इकोनॉमिक्स जब एनालिसिस करती है तो सिंगल प्रोडक्ट के लिए एनालिसिस करती है. से ईच कमोडिटी हैज इट्स ओन सेपरेट मार्केट. फ्री कंपटीशन है जिसकी वजह से सेम प्राइस प्रिवेल करता है और बायर और सेलर को मार्केट की परफेक्ट नॉलेज है. नेक्स्ट, अब मार्केट का क्लासिफिकेशन करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट. फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया. हम बोलेंगे मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया. सो फर्स्ट इज लोकल मार्केट. सर लोकल मार्केट क्या है? हम कहते हैं लोकल मार्केट इज मार्केट एस्टेब्लिश नियर द होम, आपके आसपास का बाजार. तो ये मार्केट किस लिए है? इट इज मार्केट फॉर पेरिशेबल गुड्स, डेली रूटीन गुड्स. जैसे आपको मिल्क चाहिए, बटर चाहिए, ब्रेड चाहिए, एग्स चाहिए, टी लीव्स चाहिए, शुगर चाहिए, ये सब चीजें जो पेरिशेबल गुड्स हैं. फॉर दिस वी गो टू द लोकल मार्केट एंड लोकल मार्केट इज द मार्केट फॉर पेरिशेबल गुड्स. फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, बटर, एग्स, मिल्क एटसेट्रा. ये क्या है? इट इज योर लोकल मार्केट. सेकेंड इज पी चेंज करें फर्स्ट. पे नंबर सेकेंड. सेकेंड इज बी लिखता रीजनल मार्केट. रीजनल मार्केट इज मार्केट फॉर सेमी ड्यूरेबल गुड्स. कौन से होते हैं बेटा सेमी ड्यूरेबल गुड्स? जो आप एक बार खरीदते हैं, एक साल या उससे कुछ ज्यादा टाइम के लिए यूज करते हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स. दैट इज क्लोथ्स, क्रॉकरी, टॉवल, बल्ब्स एटसेट्रा. इसके लिए आप कहां जाते हैं? रीजनल मार्केट में. रीजनल का मतलब है क्षेत्रीय बाजार. जैसे अगर आपको अनस्टिच क्लोथ खरीदना है तो आप शोरी मार्केट में जाएंगे. इट इज योर्स रीजनल मार्केट. आपको सिंपल नॉन ब्रांडेड अच्छा रेडीमेड कपड़ा खरीदना है तो आप किला रोड पे जाएंगे, और आपको ब्रांडेड खरीदना है तो आप डी पार्क की मार्केट में जाएंगे, मॉडल टाउन की मार्केट में जाएंगे. दीज आर रीजनल मार्केट. नेक्स्ट इज सी नेशनल मार्केट. इट इज मार्केट फॉर ड्यूरेबल गुड्स. और इंडस्ट्रियल गुड्स. ड्यूरेबल गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स. अब देखिए ड्यूरेबल गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स की बात करते हैं. मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं. जैसे मुझे ताला खरीदना है. मैं अब ये ड्यूरेबल नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं. ताला खरीदना है ड्यूरेबल गुड भी है, तो आप क्या करेंगे? अलीगढ़ से अलीगढ़ के ताले खरीदते हैं. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रीजनल मार्केट, इट इज पार्ट ऑफ नेशनल मार्केट. ऐसे
अगर मान लीजिए मुझे फर्नीचर खरीदना है, मुझे टीवी खरीदना है, तो ये सब दीज आर द पार्ट ऑफ नेशनल मार्केट. एंड फोर्थ इज इंटरनेशनल मार्केट. अब जब इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट इज मार्केट फॉर लग्जरी गुड्स. फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड एंड सिल्वर, कार्स एटसेट्रा. तो बेटा फर्स्ट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन था मार्केट का, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एरिया. एरिया के अकॉर्डिंग मार्केट चार तरह की है. लोकल, लोकल घर के आसपास, जहां से आप पेरिशेबल गुड खरीदते हैं, दूध, ब्रेड, अंडा, चीनी, चावल, दाल, ये सब चीजें जो आप खरीदते हैं ये आप अपनी लोकल मार्केट से खरीदते हैं, वेजिटेबल्स एटसेट्रा. अब अगर आपको मम्मी बोलेगी कि जा बेटा दो ब्रेड खरीद ला, या बेटा ब्रेड ले आ, या छह अंडे ले आ, या एक किलो टमाटर ले आ, तो ये खरीदने के लिए आप रीजनल, नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जाओगे. दीज गुड्स आर परचेज फ्रॉम द लोकल मार्केट. पर इससे जरा सा ऊपर उठते हैं, सेमी ड्यूरेबल लेते हैं, तो उसके लिए आप रीजनल मार्केट तक ट्रेवल करते हैं. लेकिन अगर आपको ड्यूरेबल लेना है, ड्यूरेबल यानी वो आपकी लाइफ में लॉन्ग टाइम पीरियड तक एग्जिस्ट करेगी, तो उसके लिए आप नेशनल मार्केट तक जाते हैं. और अगर आपको लग्जरी खरीदनी है, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन चाहिए, तो उसके लिए हम इंटरनेशनल मार्केट तक जाते हैं. नाउ मार्केट अकॉर्डिंग टू टाइम. सेकेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. नाउ फर्स्ट, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट. वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट. जब वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट की बात बोलते हैं, तो मैं इस मार्केट को केवल एक वर्ड में डिफाइन करूंगा. दैट मार्केट इन विच सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, मीन्स नो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर अवेलेबल, सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज मोर देन एग्जिस्टिंग स्टॉक. दैट इज नोन एज वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट. क्या कहेंगे आप उसे? वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, वेयर देयर इज नो टाइम टू प्रोड्यूस द कमोडिटी. गुड कैन बी सप्लाइड अकॉर्डिंग या ऑन द बेसिस ऑफ या ओनली फॉर एग्जिस्टिंग स्टॉक. दैट इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट. सेकेंड इज शॉर्ट पीरियड मार्केट. कौन सी मार्केट? दैट मार्केट इन विच सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड टू इंक्रीज वेरिएबल फैक्टर. कौन सा है वेरिएबल फैक्टर? आप थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ चुके हो, लेबर. अप टू द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ प्लांट.
इट इज शॉर्ट पीरियड मार्केट, जिसमें आप लेबर को बढ़ा के सप्लाई को बढ़ा सकते हो. थर्ड इज लॉन्ग पीरियड मार्केट. अब लॉन्ग पीरियड मार्केट की बात करते हैं तो लॉन्ग पीरियड इज दैट इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल. क्या बोलेंगे? लॉन्ग पीरियड मार्केट इज दैट मार्केट इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल एंड सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू डिमांड. अब फोर्थ इज वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट. वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट इज दैट मार्केट इन विच इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स चेंजेस. इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्युलर पीरियड. क्या बोलते हैं इसको? सेक्युलर पीरियड मीन्स इस पीरियड में ट्रेड साइकिल्स भी आते हैं, जैसे बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, ये सब चीजें भी. तो ये चार टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मार्केट है. फर्स्ट इज वेरी शॉर्ट पीरियड, जिसमें सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है, और इन चार टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मार्केट को डिवाइड किया है एक इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर एल्फर्ड मार्शल. आप सिर्फ मार्शल भी याद रखेंगे तो आपके लिए इनफ है. द मार्केट डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू टाइम इज डॉक्टर मार्शल. तो पहली मार्केट कौन सी है? दैट इज वेरी शॉर्ट पीरियड. इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, सो प्राइस प्रिवेल्स इन दिस मार्केट इज नोन एज मार्केट प्राइस. क्या बोलेंगे? मार्केट प्राइस. शॉर्ट पीरियड मार्केट सप्लाई को इंक्रीज किया जा सकता है प्लांट की कैपेसिटी तक. इस में जो प्राइस प्रिवेल करता है दैट इज नोन एज सब नॉर्मल प्राइस. लॉन्ग पीरियड में सप्लाई को एडजस्ट किया जा सकता है डिमांड के अकॉर्डिंग. सो इन दिस मार्केट प्राइस प्रिवेल्स दैट इज नोन एज नॉर्मल प्राइस, और इस मार्केट में जो प्राइस करता है दैट इज नोन एज सेक्युलर प्राइस. क्लियर और नॉट? ये मार्केट अकॉर्डिंग टू टाइम. पहली क्या थी? मार्केट अकॉर्डिंग टू एरिया. अब मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन. थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट इज मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस. ट्रांजेक्शंस के बेसिस पे मार्केट. सो फर्स्ट इज स्पॉट मार्केट. स्पॉट मार्केट इज दैट मार्केट विच डील्स विद ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन.
इट इज नॉट कंसर्न विद फ्यूचर, फ्यूचर से इसका कोई कंसर्न नहीं है। ये ऑन द स्पॉट ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ट्रांजेक्शन करती है, इसलिए इस मार्केट को क्या बोलते हैं? सो दिस मार्केट इज नोन एज स्पॉट मार्केट। क्या बोलते हैं इसको? स्पॉट मार्केट विच डील्स विद ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन, जो किससे डील करती है? ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन से डील करती है, दैट इज नोन एज स्पॉट मार्केट। सेकेंड इज फॉरवर्ड मार्केट। अब फॉरवर्ड मार्केट इज दैट मार्केट विच डील्स विद फ्यूचर ट्रांजेक्शंस बट एग्रीमेंट्स आर डन इन प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है बेटा? कि एग्रीमेंट आज हो जाएगा लेकिन ट्रांजेक्शन फ्यूचर में होगी, और उस फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए आज ही रूल्स लॉज डिसाइड हो जाएंगे, और एक स्पेसिफिक डेट ऑफ फ्यूचर पे हम हर तरह की जो है ट्रांजेक्शन करेंगे। और जब ये दो मार्केट पढ़ते हैं तो आपको याद आ जाता है कि सर ये जो मार्केट है मैंने लास्ट ईयर 12th में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पढ़ी थी। तो फॉरेन एक्सचेंज से कंसर्न देर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट विच आर स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। नेक्स्ट, मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ regulations. Fourth, market on the basis of regulations. अब regulations के according, first regulated markets, that market which deals according to rules and regulations determined by the government, for example stock market। कौन रेगुलेट करता है इसको बेटा? SEBI, सेबी। तो ये स्टॉक मार्केट, इट इज रेगुलेटेड मार्केट। नेक्स्ट इज अनरेगुलेटेड मार्केट, तो अनरेगुलेटेड मार्केट की बात करेंगे, हम कहेंगे अनरेगुलेटेड मार्केट इज दैट मार्केट विच डील्स ऑटोनॉमस विदाउट एनी रेगुलेशंस, जिससे आप डेली रूटीन में डील करते हैं, इसका दूसरा नाम है फ्री मार्केट विच deals according to demand and supply. Next is market on the basis of volume of business. Fifth is market on the basis of वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो मार्केट है दैट इज टू टाइप्स। फर्स्ट इज
होलसेल मार्केट, अब जब बात करते हैं होलसेल मार्केट की तो होलसेल मार्केट इज दैट मार्केट विच सेल एंड परचेज गुड्स एंड सर्विसेज इन बल्क और इन लार्ज क्वांटिटी, एंड सेकेंड इज रिटेल मार्केट, दैट मार्केट विच सेल और परचेज गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटीज. अब नाउ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन, जो आपका स्पेशल एम्फसिस रहता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ मार्केट, जिसको हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, दैट इज मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन. सिक्स्थ इज मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन. सिक्स टाइप ऑफ मार्केट इज मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन. तो हमने रेवेन्यू में भी डिस्कस किया था, अब एक बार फिर फ्लो चार्ट बना देते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन मार्केट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. सेकेंड इज मोनोपोली मार्केट इन विच सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. थर्ड इज इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, बट इट हैज फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज. फर्स्ट इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट, सेकेंड इज ओलिगोपोली मार्केट, एंड थर्ड इज डियोपोली मार्केट. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्लासेस में हम एक एक मार्केट को सेपरेट पिक करेंगे, फिर उसमें प्राइस डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, उसकी फीचर्स, उसको टोटली एनालिसिस करने के बाद वी विल शिफ्ट टू द अनदर मार्केट. तो कल या नेक्स्ट वीडियो में जो हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. हैव अ ग्रेट डे. बाय.